एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। फ्लिपकार्ट से मैंने 5000 रुपीस की शॉपिंग की है, जिसमें पड़ता है ड्रेस, उसके साथ मैंने स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स भी खरीदे हैं एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी परचेस किया है। सो उन सारे प्रोडक्ट्स को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग भी नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सा प्रोडक्ट आपको वर्थ बाय लगा और कौन सा प्रोडक्ट फेल लगा। मैं जितने भी प्राइसेस है वो सब भी मेंशन करूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि वो वर्थ बाय है या फेल है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्किन केयर प्रोडक्ट। सो मैंने फ्लिपकार्ट से ये सारे शीट मास्क को खरीदे हैं। शीट मास्क पर्सनली मुझे काफी पसंद है। सो मैंने यहाँ पर दो शीट मास्क खरीदे हैं फेस शॉप का। एक है बैम्बू और दूसरा है केल्प। सो आई हैव नॉट ट्राइड दीज टू वेरियंट्स, कभी भी मैंने ट्राई नहीं किया। सो जब मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ईच वन का प्राइस है 100 रुपीज। सो मेरे ख्याल से 100 रुपीज में ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मुझे ये मिला है 50% डिस्काउंट, मतलब बाय वन गेट वन फ्री में। तभी ऑफर चल रहा था, दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेज किया है। सो ईच वन का कॉस्ट पड़ा मुझे 50 रुपीज। सो आप लोग मुझे बताएगा कि 50 रुपीज में ये वर्थ बाय है या फेल है। ओके, सो नेक्स्ट मेरे पास इनिसफ्री का 4 शीट मास्क है। जो वेरिएंट मेरे पास है वो है ये वाला शिया बटर है, उसके बाद मेरे पास पॉमीग्रेनेट है, एंड देन मेरे पास है एक ओटमिल और दूसरा राइस का वेरिएंट। लेकिन इन चारों शीट मास्क को मैंने बाय वन गेट वन ऑफर में नहीं खरीदा है, इसको 100 रुपीज में ही मैंने खरीदा है। मतलब ईच का प्राइस है 100 रुपीज। आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर डिस्काउंट मिलता तो वर्थ बाय होता, लेकिन फिर भी उतना भी बुरा नहीं है, ये फेल नहीं है। क्योंकि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट 400 या 500 रुपए का फेशियल के इक्वल है। सो नेक्स्ट मैंने ये सनस्क्रीन खरीदा है। ये है न्यूट्रीजिना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक विद SPF 50+। मुझे ये अल्ट्रा अफोर्डेबल रेट में मिला। सो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए आप लोगों के लिए ये वर्थ बाय है कि नहीं। मेरे लिए तो बिल्कुल वर्थ है बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेकअप प्रोडक्ट, और मेकअप में मैंने ये मेकअप ब्रशेस खरीदे हैं। सो ऑलरेडी मेरे पास पूना स्टोर का मेकअप ब्रश सेट था 24 पीस का, लेकिन ये वाला मैंने खरीदा है बिकॉज मेरी एक दीदी ने मुझे कहा था कि खरीदने के लिए ये 24 पीस। और अगर आप लोग बिगिनर है और कुछ मेकअप करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये ब्रश सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। आप कुछ दूसरा छोटा मोटा 10 सेट का ब्रश खरीदे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रशेस हैं जो अगर आप प्रोफेशनल या फिर अगर आप YouTube वीडियोस के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो वो बेकार हो जाता है। सो मेरी जो दीदी है वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, वो YouTube वीडियोस भी नहीं करती, फिर भी उनके लिए 24 पीस का मैंने ऑर्डर किया है जस्ट बिकॉज कि इसमें आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट मुझे मिल रहा था, दैट्स वाई। सो अगर आपको लगता है कि ये 350 या 399 रुपीज में एक वर्थ बाय है तो मुझे बताइए। मैंने फ्लिपकार्ट से एक ड्रेस खरीदा है, और ये ड्रेस मेरी पर्सनल फेवरेट है। और मैं ड्रेस दिखाने से पहले ही बता दूं, ये मेरे लिए तो वर्थ बाय है, क्योंकि ये एक ब्लू कलर का ब्यूटीफुल वन पीस है, और इसका जो फ्लेयर है वो काफी अच्छा है। इसका कलर मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, हालांकि इसके बहुत सारे कलर ऑप्शंस है, और इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। सो अगर आप लोग इसके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर चेक करना। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंचेस है तो ये आपके नी लेंथ तक आएगा। सो नेक्स्ट मैंने फ्लिपकार्ट से एक ज्वेलरी खरीदा है, और ये एक सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है। मुझे ये पर्सनली काफी अच्छा लगता है, काफी सुंदर है, लेकिन इसके साथ कोई सेट मुझे, मतलब कोई इयररिंग मुझे रिसीव नहीं हुआ, जस्ट ये एक नेक पीस है। मुझे ये वर्थ बाय भी लगता है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है ये वाला फिलिप्स का स्ट्रेटनर। सो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, मैंने बर्थडे पर इस स्ट्रेटनर को खरीदा है। इसका प्राइस है 2760, और फ्लिपकार्ट में मैंने इसे डिस्काउंट में ही खरीदा है। ये है केराशाइन फिलिप्स का एडवांस्ड जो स्ट्रेटनर है, ये वो स्ट्रेटनर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका यूसेज और इससे कितना स्ट्रेट होता है और कितना अच्छा ये काम करता है सब कुछ आपको डिटेल रिव्यू वीडियो में दिखाऊं, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट करके, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगी। सो इसमें एक क्लोज एंड ओपन का एक स्विच है, एक सिस्टम है जो मुझे काफी अच्छा लगता है। सो यहाँ से हम लोग इसे ओपन कर सकते हैं। मैं सीरम भी अप्लाई नहीं करती, फिर भी इट वर्क्स फाइन। और उसके साथ इसमें टेम्परेचर की सेटिंग्स बस दो ही टेम्परेचर तक आप कर सकते हो, एक है मीडियम और दूसरा है वेरी हाई टेम्परेचर। सो ओवरऑल मुझे तो ये
वाला स्ट्रेटनर वर्थ बाय लगा। ये भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एक या दो को छोड़कर सभी मेरे फेवरेट्स और सभी वर्थ बाय मुझे लगे। आपको अगर कुछ ओवर रेटेड या कुछ ज्यादा प्राइसी लगा तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना ओपिनियन। सो या फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो मुझे बताइए, मैं ऐसे वीडियोस और अपलोड करूंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कीजिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं हर रोज वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय बाय।